यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज की आज की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ उरूज फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं कानता इम्तियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कराची के इलाके बोर्ड बेसन से पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुलशन इकबाल में ट्रैफिक पुलिस ने तैनात एहलकार ने फायरिंग करके पड़ोसी को जख्मी कर दिया। बोर्ड बेसन पुलिस ने लूटमार की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में अनीस, सलमान खान और फरमान खान शामिल हैं। गुजरांवाला में दौरान ड्यूटी मामूली झगड़े पर पुलिस कांस्टेबल ने ASI पर पिस्तौल तान दिया और जान से मारने की कोशिश की। CPO के हुक्म पर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक थाना कोर्ट लुधा में दौरान ड्यूटी मामूली तकरार पर कांस्टेबल शाहिद ने ASI पर पिस्तौल ताना था। इस मौके पर मौजूद पुलिस अहलकारों ने मुश्तरक कांस्टेबल को पकड़ लिया और इससे पिस्तौल छीन लिया गया। पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक मुसाफिर वैन ने स्टॉप पर खड़े मुसाफिरों को रोन डाला, जिसके नतीजे में माँ, बेटी, जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला में साधु की स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़े खानदान को तेज रफ्तार वैगन ने कुचल दिया। कराची के इलाके लांधी में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार 10 साल बच्चा कुचल कर जाँ बहक हो गया है। वाकये के बाद मुश्तिल मुजाहरीन ने ट्रॉलर को आग लगा दी। पुलिस ने कई मुजाहरीन को हिरासत में ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास के दौरान नस्वार की गूंज भी सुनाई दी। डिप्टी स्पीकर और JUIF के रुकन के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक हुई। सूबाई असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर महमूद जान की सदारत में हुआ। इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर महमूद जान और JUIF के रुकन मियां निसार गुल के दरमियान नस्वार के मामले पर दिलचस्प नोकझोंक हुई। जिला पाक पतन में पहली मरतबा खातून पुलिस अफसर को SHO तैनात कर दिया गया है। तर्जुमान पाक पतन पुलिस के मुताबिक खातून सब इंस्पेक्टर कुलसूम फातिमा को DPO इबादत निसार ने मॉडल थाना डिलोरियाम में SHO तैनात किया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज।